नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। पुलिस की सतर्कता से संधी का हत्यारा गिरफ्तार। चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम अमरापान बंदरखोट टोला में 20 अप्रैल की रात पति और पत्नी के बीच हुए विवाद के बीच बचाव करने वाले संधी की हत्या कर लाश खाई में फेंकने के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद चितरंगी पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर आरोपी जगदीश बेगा पिता प्रहलाद बेगा उम्र 55 वर्ष को अमरापान के जंगल से गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल पचोर भेज दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक DN राज, उप निरीक्षक विनय शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक मुनेन्द्र देव पांडे, सहायक उप निरीक्षक गुलाब वर्मा, प्रधान आरक्षक ओम प्रकाश पांडे आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, अमरापान की घटना का हत्या का क्या कारण है और मुलजिम को भी पकड़ा गया है, बताएं सर। तो ऐसा है कि दिनांक 20-21 की रात्रि में जी अमरापान के रहने वासी रामवरण बेगा और जगदीश बेगा, जो आपस में संधि की रिश्तेदारी है जी, ये मिलकर रामवरण बेगा के यहाँ खाना खा रहे जी। खाना खाते खाते रात हुई, काफ़ी टाइम हो गया। जगदीश बेगा का घर वहाँ से जंगली रातों से 1 किलोमीटर दूर होने के कारण रामवरण बेगा उसको जगदीश बेगा को घर छोड़ने आया था जी। जैसे ही जगदीश बेगा घर पहुँचा तो जगदीश बेगा की पत्नी उसको खाना परोसने लगी, क्योंकि उसकी नॉलेज में उसने खाना खाया नहीं था जी। इस बात को लेकर जगदीश बेगा भड़क जी, भड़क कर पत्नी से बात विवाद किया और पत्नी को मारपीट करने लगा, और एक लड़की जो शादीशुदा उसी की लड़की थी उसको भी मारपीट किया। तो ये मौजूद था रामवरण बेगा, जिसने उनको बचा लिया, बचाया और घर के बाहर वो भाग गई। भाग जाने पर ये गुस्से में था, आक्रोश में, तो इससे उलझ गया कि तुम हमारे पारिवारिक विवाद के बीच में कैसे आ गए। फिर इनका वातावरण हुआ और जो है जगदीश बेगा ने टांगे से जो है इसकी मारपीट चालू कर दी। इसके बाद जब वो गिर पड़ा तो खचोड़ कर अपने पास में खाई है, दो टीलों के बीच ढोडा कहलाता है, वहाँ किसी 25 मीटर दूरी पर खचोड़ दी खाई में, दो पहाड़ों के बीच में कर दिया, पहाड़ियों के बीच में, और वहाँ भी उसको मार दिया। कितने समय के बाद आरोपी गिरफ्त में आया सर? उसे ये 2 दिन के बाद मिल गया है, क्योंकि इसमें जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को जैसे ही मालूम चला कि ये हत्या की घटना हुई है, तत्काल उनसे हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्होंने जो है SDOP पाठक को भी, पाठक जी श्री राजीव पाठक जी को भी इसके लिए टास्क सौंपा, और जिसके तहत पुलिस की 4 पार्टी बनाई गई, 1 पार्टी जो संभावित स्थान पर, 2 रिश्तेदारियों में गई, 3 जंगल को घेर के रहते जी। इसके कारण जो है आरोपी जो है भाग नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए भागने में, लिहाजा सर्च में ये दस्तयाब हो गया जी। और इससे जो है घटना की जो है जो कुलाड़ी है ना, टांगी जिसको बोलते हैं, वो भी खून आलूदा पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई। चितरंगी से खबर समय जगत के रजनीश साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।